हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज, चैप्टर नंबर 11, माय कंट्री। तो इस चैप्टर को समझने के लिए हम देखेंगे इसके डी वर्ड्स। हमारा फर्स्ट डी वर्ड है रिलीजियंस, RELIGIONS। रिलीजियंस मीन्स धर्म। लैंग्वेजेस, LANGUAGES। लैंग्वेजेस मीन्स भाषा। सिंबल्स, SYMBOLS। सिंबल्स मीन्स चिन्ह। फ्रीडम, FREEDOM। फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता। फर्टिलिटी, FERTILITY। फर्टिलिटी मीन्स उपजाऊपन। एस्पिशियसनेस, AUSPICIOUSNESS। Aspiciousness means शुभ, यानी कि कुछ अच्छा होना। तो अब हम यूनिट हमारा टेक्स्ट बुक में से लर्न करेंगे। डू यू रिमेम्बर, लुक एट द पिक्चर। द पिक्चर शोज, ये पिक्चर हमें क्या दिखा रहा है? तो यहाँ पर कुछ लेटर दिए गए हैं, उसमें से हम एक वर्ड बनाएंगे। INDIA, यानी कि इंडिया। ये हमारा जो इंडिया है उसका मैप है। इंडिया इज माय कंट्री, इंडिया मेरा देश है। इट इज बिग एंड ब्यूटीफुल, वो बहुत बड़ा और सुंदर है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली है वो इंडिया की राजधानी है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ मेनी रिलीजियंस एंड लैंग्वेजेस, जो इंडिया है वो बहुत सारे धर्म और भाषाओं का देश है। नेशनल सिंबल्स, यानी कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन नेशनल सिंबल्स, हर एक देश का एक अपना राष्ट्रीय चिन्ह होता है। द फॉलोइंग आर फ्यू नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, नीचे हम कुछ इंडिया के राष्ट्रीय चिन्ह देखेंगे। नेशनल फ्लैग, अवर नेशनल फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ अवर फ्रीडम, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज, फ्लैग यानी कि ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज है वो फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का चिन्ह है। इट इज कॉल्ड द तिरंगा इन हिंदी, ये जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसे हिंदी में हम तिरंगा कहते हैं। इट हैज थ्री कलर्स, उसमें थ्री कलर्स है। सेफ्रन कलर स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ एंड करेज, सेफ्रन यानी कि ऑरेंज कलर, जो ऑरेंज कलर है वो स्ट्रेंथ यानी कि ताकत एंड करेज यानी कि साहस का प्रतीक है। व्हाइट स्टैंड्स फॉर पीस एंड ट्रूथ, जो व्हाइट कलर है वो पीस यानी कि शांति एंड ट्रूथ यानी कि सच्चाई का प्रतीक है। एंड ग्रीन स्टैंड्स फॉर फर्टिलिटी ग्रोथ एंड एस्पिशियसनेस, और जो ग्रीन कलर है वो फर्टिलिटी यानी कि उपजाऊपन, ग्रोथ यानी कि बढ़ना, और एस्पिशियसनेस यानी कि शुभ होना, इसका प्रतीक है। द नेवी ब्लू व्हील इन द सेंटर इज कॉल्ड द अशोक चक्र, जो नेवी ब्लू कलर का व्हील है बीच में उसे अशोक चक्र कहते हैं। इट हैज अ 24 स्पोक व्हील दैट स्टैंड्स फॉर चेंज थ्रू पीस, अशोक चक्र में आपको जो बीच में 24 लाइंस दिख रही है वो 24 लाइंस होती है और उसे स्पोक व्हील कहते हैं, और वो देश भर में शांति का प्रतीक है। नेशनल एम्बलम यानी कि हमारा राष्ट्रीय राज चिन्ह। द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम द लायन कैपिटल ऑफ अशोका इन सारनाथ, हमारा जो ये राष्ट्रीय चिन्ह है वो जो अशोका है उसका कैपिटल यानी कि राजधानी सारनाथ है उसके ऊपर से लिया गया है। इट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड पीस एंड गुडविल, और ये जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो वर्ल्ड पीस यानी कि देश भर की शांति और गुडविल यानी कि शाख का प्रतीक है। देर आर फोर लायंस स्टैंडिंग बैक टू बैक ऑन द टॉप, और नेशनल एम्बलम में ऊपर जो ये फोर आपको लायन बैक टू बैक खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं ना। द सर्क्यूलर बेस हैज एन एलिफेंट, अ हॉर्स, अ बुल एंड अ लायन, और ये जो बेस है उसमें
एलिफेंट, हॉर्स, बुल और लायन है। सेपरेटेड बाय स्पोक व्हील्स ओवर अ बेल शेप्ड लोटस, और वो ये नीचे का बेस है उसमें बेल शेप्ड लोटस यानी कि कमल है। द धर्म चक्र और द व्हील ऑफ फ्लो कर्व्ड ऑन इट, और धर्म चक्र यानी कि जो अशोक चक्र है उसे हम धर्म चक्र भी कह सकते हैं, और ये जो लो कर्व्ड ऑन इट यानी कि ये सब इसमें बनाया हुआ आप देख सकते हो ना, ये बनाया हुआ है। सत्यमेव जयते इज इंस्क्राइब्ड एट इट्स बेस इन देवनागरी लिपि, और ये नीचे के बेस में देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। नेशनल एनिमल यानी कि हमारा राष्ट्रीय प्राणी, टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल, हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है, टाइगर। इट इज अ सिंबल ऑफ पावर, स्पीड, स्ट्रेंथ एंड रॉयल ग्रेस, ये जो टाइगर है वो पावर, स्पीड यानी कि ताकत, स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति और रॉयल ग्रेस का प्रतीक है। नेशनल बर्ड, द पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड, ये जो पीकॉक है वो हमारा नेशनल बर्ड है। इट इज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी, प्राइड एंड ग्रेस, ये जो पीकॉक है वो ब्यूटी यानी कि सुंदरता, प्राइड यानी गौरव और ग्रेस यानी कि सुघड़ता का प्रतीक है। नेशनल फ्लावर, द लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर, ये जो लोटस है वो हमारा नेशनल फ्लावर है। इट इज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड प्योरिटी, और ये जो फ्लावर है लोटस है वो ब्यूटी यानी कि सुंदरता और पवित्रता का प्रतीक है। नेशनल सॉन्ग, अवर नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम, हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है, वंदे मातरम। इट वॉज कम्पोज्ड बाय बंकिम चंद्रा चटर्जी, और ये जो हमारा नेशनल सॉन्ग है उसको किसने बनाया है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेशनल एंथम, अवर नेशनल एंथम इज जन गण मन, आप सबको आता है ना ये दोनों। इट वॉज कम्पोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, और नेशनल एंथम किसने बनाया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। टाइम टू आंसर, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, हमें कुछ ब्लैंक्स दी गई है वो हमें कंप्लीट करनी है। फर्स्ट, द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज टाइगर। सेकेंड, देर आर फोर लायंस इन द नेशनल एम्बलम, नेशनल एम्बलम में कितने लायंस थे, थ्री और फोर, फोर। अवर नेशनल सॉन्ग इज रिटन बाय, हमारा नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी या तो रविंद्रनाथ टैगोर, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हमारा नेशनल सॉन्ग है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। फोर्थ, अवर नेशनल फ्लैग इज कॉल्ड ब्लैंक इन हिंदी, हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, तिरंगा या भारत, तो के तिरंगा, अवर नेशनल फ्लैग इज कॉल्ड तिरंगा इन हिंदी।